आप सब? मैं ठीक हूँ। मुझे इन्होंने बहुत रुलाया है, इन प्याजों ने ना। अभी अभी भी आंसू आ रहे हैं। चलो इन्होंने तो, आज मैं क्या करने वाली हूँ, हाँ मैं आपको मटन बिरयानी की रेसिपी देने वाली हूँ। यम यस मटन बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो जबकि आप इन्होंने मुझे रुलाया है तो मैं इनको पनिश करूँगी, ठीक है। अब हम इसको कड़कते हुए ऑयल में फेंक देंगे। इन्होंने मुझे रुलाया ना, अब मैं इनको, तो जनाब मैंने इनको अपनी तरफ से पनिश कर दिया है। अब आगे ये मुझे पनिश करेंगे, काले ना हो जाए, ठीक है। तो बाकी मैं मैरिनेशन बताती हूँ कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। ये मेरे पास मटन है तकरीबन हाफ के जी, और मैंने कुछ ज़्यादा, तो ये मेरे पास सिर्फ हाफ के जी मटन है। मैंने कोई ज़्यादा बंदों की बिरयानी नहीं बनानी है, बस 2 से 3 बंदे हैं हम लोग। और इसमें जो मैं मैरिनेशन तैयार करूँगी, अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें मटन की बिरयानी के लिए तो बेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। खैर मुझे और मेरे हस्बैंड को तो लगी है भूख, हम अभी बाहर से आए तो मुझे जल्दी है, तो मैं थोड़ी ही देर रखूँगी मैरिनेट करने के लिए, फिर मैं बना लूँगी। और इसमें मैं मैरिनेशन के लिए यूज़ करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, और दही योगर्ट, ठीक है। और वैसे तो मैं अपने ही मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अहमद का बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी। अहमद का बिरयानी मसाले का टेस्ट ऑसम है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, लेकिन मैंने चेक किया ये पाकिस्तान से मिलता है या नहीं मिलता, मुझे नहीं पता। वैसे जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने सिस्टर से कहा था कि अहमद का बिरयानी मसाला लेके आए, लेकिन वो कह रही थी कि शायद वहाँ से नहीं मिलता। चले जिसको मिल जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो मैंने इनको पनिश किया हुआ है वो हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं प्याज, ठीक है। कभी कभी मैं खुद से नमक मिर्च मसाले डाल के बना लेती हूँ, कभी कभी बस मूड पे डिपेंड करता है कि किस तरह बनानी है। मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइस हर कोई अपने तरीके से, मतलब स्पाइसेस चाहता है, कोई बहुत तीखी खाता है, कोई कुछ लाइट खाता है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि मैंने कितनी स्पाइसेस डाली हैं। बस बिरयानी मसाले में वैसे भी सारा कुछ आ जाता ही है ना इसमें, तो बस मैं इसका तकरीबन हाफ से ज़्यादा पैकेट डालूंगी, और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के 2-3 चम्मच और बड़े 2-3 चम्मच मैं दही के डालूंगी। मैं डाल के आपको दिखाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में है कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये दही, देख रहे हैं आप कितनी क्वान्टिटी में, कुछ ऐसे कर लूँगी। अच्छा ग्लव्स पहन के तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके हाथों में मिर्ची नहीं लगती, और दूसरा आपके हाथ की बहुत से ज़रा सी हैंड वॉश कर भी लें तो फिर भी बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी कभी भी करना पड़ता है। दूसरा मुझे ये होता है कि कभी भी अनाभ्या रोने लग जाती है, उसको फटाफट पकड़ना होता है, तो मुझे ये रहता है कि हाथों पर मिर्ची नहीं लगी होती वरना उसकी उसको लग जाती हैं, ठीक है। वहाँ मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो वो ऑयल के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है, अच्छे से डाल। आज मेरा वैसे दिल कर रहा है मैं आलू भी डालूं, मैं अलग से बॉईल करूं, ठीक है। ये हो गया हमारा मैरिनेशन तैयार, इसके बाद क्या करना है मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं इसमें प्याज डाल दूं, ठीक है जी। ये तो मैंने ये प्याज ब्राउन कर लिए, शुक्र है परफेक्ट हो गया, वरना मैं इनके सजा देने के चक्कर में मुझे ना सजा दे देते। तो इसमें से आधे में थोड़े से प्याज ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लूँगी इतने से, ठीक है, और बाकी गर्म ऑयल के साथ मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये गए मेरे प्याज, बीच में भागे आ रहे हैं, उनको आराम नहीं आ रहा अपने दोस्तों के बगैर ना। अच्छा ऑयल भी गया, बाद में प्लेट में निकालेंगे इसको। अब गरम ऑयल है तो मैं हाथ तो नहीं ना जलाने, हाथ थोड़ी जलाने, शक्ल चेक करो इसकी, इसमें जाएंगे धनिया के पत्ते, खुशबू कितनी मजे की आ रही है। काश वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ साथ खुशबू वाला भी कोई चक्कर होता। चलो ये होगी मेरी मैरिनेशन तैयार, आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मैं तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रखूँगी। देख ले साथ ही अनाभ्या ने अलार्म दे दिया कि मैंने जल्दी खानी है मैं बिरयानी। चलो जी मैंने बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पर मैंने वही थोड़े खड़े मसाले, तेज़पत्ता, काली मिर्च, जीरा सब डाल दिए, वो तकरीबन सही भी हो।
सॉरी भाई, मान सॉरी हाजिक आ गया था और उसने बोलना शुरू कर दिया था, तो वो मैं सीन दिखा चुकी हूँ आपको। उसके फ़ौरन बाद ही मैंने ये मैरिनेशन डाल दी थी सारी, ठीक है। इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं इसमें वो टमाटर ऐड कर दूँगी जी। उसका जब गोश्त थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, 4 अदर टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, उसको ये मोटे मोटे पीसेज में काट लिए क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद प्रेशर कुकर ही लगाने वाली हूँ। बस मैंने गोश्त को फ्राई खत्म करना था ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और थोड़ा सा लीमू नहीं डालना था, ठीक है। तो नमक डालने के बाद मैं कुकर लगा दूंगी, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सामान्य सा पानी, क्योंकि गोश्त में दही वगैरह है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मुझे डर होता है कि वो नीचे लगने से बेहतर है कि आप थोड़ा पानी डाल लें। तो पानी डाल के मैं कुकर लगाती हूँ, ठीक है, और आपको भी दिखाती हूँ। देखिए कुकर में मैंने सारा कुछ डाल दिया, ठीक है। अब मैं कुकर लगा के गोश्त के ला के आपके साथ मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 गिलास ऊपर ही चावल भिगो दिए, ठीक है, और उधर हमारी विसल चलने को तैयार है। यहाँ पानी बॉयल होने के बाद मैं चावल भी डाल चुकी हूँ, लेकिन मैं बताती चलूँ कि मैंने पानी के साथ साथ क्या डाला था। पानी के साथ सॉल्ट तो सब ही डालते हैं, मे भी जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो भी सब डालते हो, आई डोंट नो। इसमें मैंने छोटी इलायची भी डाली, थोड़े सा ज़ीरा भी डाल, सॉरी सिरका डाला, विनेगर डाला। पानी बॉयल होने के बाद मैं इसमें राइस डाल चुकी हूँ, मतलब 3% जब रह जाएँ, मतलब तीसरा ही जब रह जाए कच्चा, तो तब हमने इसे निकाल लेना है। मैं थोड़ा और सॉफ्ट आने दूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा सॉफ्ट राइस खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा सॉफ्ट ही बनाऊँगी। तो आप जब तीसरा हिस्सा उसका थोड़ा सा कच्चा रह जाए तो आप इस चावलों को निकाल लें पानी से, ठीक है। यहाँ से मैं प्रेशर कुकर से गोश्त भी निकाल चुकी हूँ, जो थोड़ा पानी है वो खुश्क होने देती हूँ, अच्छे से भून लेती हूँ, तो फिर हम इसकी लेयर्स लगाएंगे, ठीक है। जनाब मेरी दोनों चीज़ें रेडी हैं, साले ग्रेवी का कलर चेक कर लें आप, बहुत मज़े का है। तो यहाँ पे मैंने वही ग्रेवी का थोड़ा सा ऑयल नीचे तक डाल दिया है, अब इसको फैला दूँगी सारा। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लगाएंगे राइस की लेयर, चावल चेक करें, ये चावल हैं भी बहुत ज़बरदस्त लंबे लंबे से। हाँ मैंने सारा सालन ग्रेवी डाल दी है, और ये लास्ट लेयर यहाँ पे थोड़े से लीमू रख देते हैं, और ये वाले लीमू की लेयर इस तरह जो रखती हूँ ना, मुझे इस तरह का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो एकदम मज़े का टेस्ट आता है इस तरह से। ये गए लास्ट लेयर, कहाँ गई मेरी, इधर गार्निशिंग कर लेते हैं। कहाँ के मेरे लीमू, ये लीमू दो मैं नीचे रख चुकी हूँ, ये हमारी ग्रीन चिलीस, और ये हमारे अनियंस, मज़ा आ जाना है आज। और ये हमारा सब्ज़नियाँ, और लास्ट जो आता है वो है फूड कलर। दैट्स इट, अब इसको हम रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे, और मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ बिरयानी की, यम होगी। ये देखिए मैंने दम खोल लिया है, दम खोलिए, और माशाल्लाह कलर देखते हैं, कलर चेक करें, बिरयानी बिरयानी होता है अच्छी, है ना। आप भी ट्राई करें किस बार, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि देख किस किस के मुंह में पानी आया है, ढेर सारा। तो जिसको ये रेसिपी पसंद आई हो, नहीं वो अभी नहीं बोलना था, अभी मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, मैं बताऊंगी बोलूंगी। तो ये है मेरी बिरयानी की फाइनल लुक, जिसको पसंद आए वो पकाए और खाए, और मेरे चैनल को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, एंड शेयर भी कर दे, और कमेंट सेक्शन में बताए कि कैसी बनी बिरयानी और कैसी लगी और किस किस के मुंह में ढेर सारा पानी आया।